मेरी प्रायोरिटी हमेशा मेरी फैमिली रही है, इसीलिए मैंने जॉब कंटिन्यू नहीं की और मैं अपने बच्चों को घर पे पढ़ाती थी, ट्यूशंस भी लेती थी। पर पढ़ाते पढ़ाते ये ध्यान में आया कि बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ रियल लाइफ एजुकेशन की भी बहुत ज़रूरत है। छो मित्रों, आई एम दर्शना शाह फ्रॉम वडोदरा फ्रॉम गुजरात। इट्स इमेंस प्लेजर टू गेट कनेक्टेड विथ यू पीपल थ्रू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ सोइलकर। आई एम अ टीचर, आई एम अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर और मेरा एक एनजीओ भी है जिसका नाम है शानदार। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए पिछले 20 सालों से मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और टीचिंग में हॉबी होने की वजह से मैंने DEC और ECCE का कोर्स लिया था और उसी के बेस पे मुझे एक बहुत रेप्यूटेड स्कूल में जॉब भी मिल गई। एक ही साल में मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला। पर मेरी प्रायोरिटी हमेशा मेरी फैमिली रही है, इसीलिए मैंने जॉब कंटिन्यू नहीं की और मैं अपने बच्चों को घर पे पढ़ाती थी, ट्यूशंस भी लेती थी। पर पढ़ाते पढ़ाते ये ध्यान में आया कि बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ रियल लाइफ एजुकेशन की भी बहुत ज़रूरत है। साथ में ये भी महसूस किया बच्चों का रूटीन कैसा बन गया है, पूरा दिन स्कूल, ट्यूशन, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, ना तो उनको खेलने का टाइम मिलता है, ना तो फ्रेंड्स से मिलने का। यही सब ध्यान में रख के मैंने और मेरी फ्रेंड ने किड्स किटी पार्टी शुरू की, जिसमें बच्चे अपना खुद का रियल चाइल्डहुड एंजॉय कर सके। धीरे धीरे ये कार्य सबको पसंद आने लगा, क्योंकि किड्स किटी पार्टी के सेशन में इंडोर एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी, डे टू डे साइंस और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिसकी अवेयरनेस बच्चों को ज़रूरी थी। हम में से कितने लोगों को पता है कि हम फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, यही सोचकर हमने बच्चों के लिए भी फेस्टिवल सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था। बच्चों को और पेरेंट्स को स्टडीज़ में बहुत स्ट्रेस लेते देखा, तब ये महसूस किया कि स्ट्रेस फ्री एजुकेशन डेवलप करने की ज़रूरत है और यही रिसर्च के दौरान मैंने लेट्स लव एग्ज़ाम नाम का सेमिनार डिज़ाइन किया, जो हम काफ़ी स्कूलों में फ्री में दे चुके हैं। लेट्स लव एग्ज़ाम के ये सेशन में 45 मिनट्स का ये सेशन होता है और उसमें बेसिक गाइडलाइन होती है जिससे बच्चों को पता चले कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और कैसे फियरलेस एग्ज़ाम दे सकते हैं। हमारा गुजराती में तो एक कहवत है, जाजा हाथ रड़ियामना, और हिंदी में भी बोलते हैं ना, एक से भले दो, दो से भले तीन। ऐसे ही मेरे काम को सराहना लोगों ने और मेरे साथ जुड़ने लगे और हम सब फ्रेंड्स ने मिलके एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है शानदार ग्रुप और हम सामाजिक कार्य करने लगे। शानदार ग्रुप, ये नाम के पीछे भी एक छोटी सी कहानी छुपी है। और हम जब फ्रेंड्स मिले थे एक ग्रुप बनाने के लिए, कार्य करने के लिए, तब हमें पता नहीं था कि हमें कौन सा नाम रखना है। पर उसी दौरान एक मूवी आई थी दशरथ मांझी की, जिसकी टैगलाइन थी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। हमने सोचा हम मोटिवेट होते रहेंगे, इसी को ही हम ग्रुप का नाम दे देते हैं। पर बहुत बड़ा ग्रुप का नाम होने की वजह से हम सिर्फ अपने ग्रुप को शानदार शानदार बुलाते रहे, पर तब भी हम नए नाम खोजते रहे। हमें एक भी नाम अच्छा नहीं लगा, फिर जाके लगा कि हाँ, ये शानदार नाम बहुत बढ़िया रहेगा। और ऐसे ही हमारी जर्नी शुरू हो गई। मेरी ये जर्नी में बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट किया है और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी फैमिली का रहा है। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू माय फैमिली, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू माय फ्रेंड्स एंड ऑल माय वेल विशर्स एंड सपोर्टर्स, एंड आई थैंक ऑल ऑफ देम। देर आर मैनी मोमेंट्स इन माई लाइफ विच आई स्टिल चेरिश। द डे I received Best Teachers Award, the day I became president of JCI Baroda Queen,
The day I participated in Flavors of Gujarat and the day I received the certificate of being trainer. There are many small events in my life which I love to enjoy. And when children and parents give positive feedback, I feel very good for them. And I am a Santur mom. I have two teens. And when people say, you don't look your age, I feel all the more great. ये बताते हुए मैं बहुत ही गर्व और खुशी महसूस करती हूँ कि मैं एक सामान्य नौकरी या बिजनेस ना करते हुए सामाजिक कार्य से जुड़ी हूँ। सामाजिक कार्य करने के लिए ना तो चाहिए बहुत सारे पैसे और ना तो होता है वर्कलोड का टेंशन और ऊपर से बहुत सारी दुआएं मिलती है और मन भी खुश हो जाता है। हम 8 बहनें मिलकर एक NGO चलाते हैं जिसका नाम है शानदार ग्रुप। हम विमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए आगे कार्यरत रहते हैं। Hello friends, I am Shandar Roshni Shah. Let me share few of our Shandar activities for women. Women are pillar of the family. To make them feel happy, we organize many activities for them like dabba party, love letter writing competition, women's day celebration, Janmashtami celebration, wall mirror workshop, jewelry workshop, kitchen gardening workshop, kitchen tips, and the list is endless. Hello, I am Shanda Rinkal Shah. Let me share some activities for the woman empowerment by our Shandar team. Because a woman is a full circle. Within her is a power to create, transform and nurture. And for that, we organize training sessions for the women like work-life balance, stress management, time management, business development techniques. Not only that, we also provide platform for the marketing of their products through exhibitions. For the fitness of women, we also arrange fitness sessions. Thank you. Hello friends, I am Shandar Swati. Along with our Shandar activities for women, we also work for children's. Our tuition classes are eduate. That means education through activities. Our main motto is learning with fun. Let children celebrate their childhood. Friends, I am Sandhya Bhumika. Let me share few of our education activity for children. We organize learning style counseling, Max Day celebration, Science Day celebration, language improvement workshop, easy study tips workshop, Let's Flow exam seminar, handwriting improvement workshop, memory technique workshop. Hello friends, I am Shweta Shah from Shandar Group. Let me share some few activities for children. We organize kids kitty party and different celebrations like Christmas Day, Children's Day, Environment Day, Janmashtami celebrations, Fruits Day, and also activity like Rubik's Cube, learning, puppet show, magic show, and picnic. Hello friends, I'm Shanda Mitika Shah. We are trying our best to serve the society. If you want to know more about our events, visit our FB page, Kids Kitty Party. Thank you, be happy, stay connected. आई बिलीव दैट स्ट्रेस सिर्फ उनको आता है जो अपने काम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते और जिनका पूरा ध्यान सॉल्यूशंस की जगह प्रॉब्लम्स पे रहता है। हरिवंश राय बच्चन जी की ये लाइन तो आप सबने सुनी होगी, मन का हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो और अच्छा। जीवन में अगर ये लाइन्स उतर दी तो हमें स्ट्रेस कभी नहीं आता। हिंदी की ये कहावत तो आपने सुनी होगी, खाली मन शैतान का घर। इसीलिए मैं अपने आप को प्रोडक्टिव वर्क में बिजी रखती हूँ और लॉकडाउन के दौरान भी मैंने अपने ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन एक्टिविटीज शुरू कर दी थी और अपने इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने ऑनलाइन कोर्सेज भी लिए थे। और एक राज की बात बताऊँ, बिजी रहने के बहुत सारे फायदे हैं, हम बीमार भी कम पड़ते हैं। और मैंने पिछले कई सालों से हेल्थ रिलेटेड एक भी पिल नहीं खाई है, मतलब मैं अल्टरनेट मेडिसिन थेरापी यूज़ करती हूँ लाइक रेकी, मेडिटेशन, माइंड पावर टेक्निक्स, योगा। सॉइल कप के माध्यम से आप सभी बहनों को एक संदेश देना चाहते हैं। अगर आप होम मेकर हो
तो अपने आप को किसी से कम मत समझिए कि मैं जॉब नहीं कर पा रही हूँ, बिजनेस नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, घर को संभालना ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आप वर्किंग हो और या फिर होम मेकर हो, फिर भी आपसे निवेदन करूँगी अपने खुद के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालो, जिसमें आप कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ अच्छा देखो, कुछ अच्छा सुनो, जिसे आप खुश रह पाओगे और अपने आप आपके घर का वातावरण भी खुशनुमा हो जाएगा। जीने का नज़रिया बदलो, जीवन बदल जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच सोइका फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई जर्नी विथ ऑल। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।